आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय, आदरणीय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोनी कोर्ट और आदरणीय सभी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और रोनी कोर्ट बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी व मेंबर्स के साथ मैं आज एक विषय साझा करना चाहूँगा कि थाना रानीबाग के इंस्पेक्टर एलएन सैनी, लक्ष्मी नारायण सैनी व कुछ अन्य जांच अधिकारियों ने जानबूझकर जांच में ढील बरती ताकि दोषी पुलिसकर्मियों को बचाया जा सके, जो कि आईपीसी की धारा 218 और 201, 120 बी 34 के अंदर अपराध है, साजिश के तहत उन्होंने साजिश के तहत ऐसा किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि साथियों 24/1/18 को पुलिस अधिकारियों ने एक मकान के ऊपर पूरी 50 मिनट की रेखी करके और पाँच से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने अनलॉफुल असेंबली और सरकारी वर्दी, सरकारी असला, सरकारी जिप्सी का इस्तेमाल करके फोर्सफुली ट्रीपास किया घर के अंदर और डकैती डाली, अपहरण किया और कई गंभीर अपराधों को उन्होंने अंजाम दिया। उसके बाद जब जांच चली तो जांच कई स्तर पर गुजरने के बाद लक्ष्मी नारायण सैनी को मारकर दी गई, जो कि 24/1/18 को भी रानीबाग थाने में मौजूद थे और उन्होंने जांच के अंदर बड़ी चतुराई से आदरणीय कोर्ट से ये बात छुपाई और अपने सीनियर अधिकारियों से कि 7:33 पर जो फ़ोन ASI जगदीश की कस्टडी में था, पुलिस कस्टडी में पीड़ित का, उस मोबाइल से 7:33 पे SI संदीप ने एक हॉस्टेज कॉल करी उसके रिलेशन के अंदर विक्टिम के पेरेंटल अंकल को और SI प्रवीण वहाँ मौजूद था और ये गंभीर अपराध था। इसको सभी थाने की 3D एंट्रियों में छुपाया गया, कोर्ट से छुपाया गया, माननीय आदरणीय संबंधित न्यायालय से छुपाया गया, सभी तरह की जांचों में छुपाया गया और 17/1/19 को 109 नंबर में आदरणीय मजिस्ट्रेट साहब रोहनी न्यायालय ने जब यह आदेश दे दिया कि विक्टिम के मोबाइल की CDR और GPS लोकेशन को सेव किया जाए तो पुलिस अधिकारी ये बात छुपाते रहे, टालम टोल करते रहे और उन्होंने कोर्ट के आदेश पर इसको सेव तो करना पड़ा, लेकिन उससे पहले पीड़ित को 22/1/19 को दिल्ली के पुलिस कमिश्नर श्री अमूल्य पटनायक जी से मिलना पड़ा, DCP आउटर के DCP स्तर के अधिकारी श्री SP क्रूल जी से मिलना पड़ा और अन्य लोगों से मिले, तब कहीं जाकर और एडिशनल CPSO जो कमिश्नर साहब के हैं राजीव रंजन जी, उनके इंटरवेंशन के बाद ये CDR GPS सेव हुई साथियों। और इसके बाद आज तक कोर्ट के अंदर इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहे ये लोग, जिससे साफ साफ ये साबित होता है कि पुलिस का कहना था कि उस टाइम ये मोबाइल जो है CAW M2 के पीतमपुरा पे मौजूद था, जबकि इसकी अपोजिट डायमेट्रिकल पोजीशन पे थाना वहाँ से 2.5-3 किलोमीटर पड़ता है रानीबाग का दीपाली चौक पे, जबकि ये मोबाइल वहाँ से खोया गया था और उसकी लोकेशन सेव हो चुकी है पुलिस में, फिर भी ये सभी जांच से के अंदर इस बात को छुपाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, जो कि 167 IPC और 166 के अंदर गंभीर अपराध है और कई अन्य सेक्शनों में DP Act का भी उल्लंघन है और आज तक इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। ये एक बहुत गंभीर विषय है। मैं खास तौर से रोहनी कोर्ट बार एसोसिएशन के अगर किसी का साथी का अगर रानीबाग थाने में कोई केस चल रहा हो और उसमें IO LN सैनी हो तो SI नवीन हो या कोई SI राकेश राणा हो और BR सांकला जी हो, बहुत सारे इसके अंदर वो रहे हैं, क्या कहते हैं, जांच अधिकारी शरद कोहली जी हैं जिनके ऊपर इंस्पेक्टर जो DIU आउटर डिस्ट्रिक्ट में जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा CBI से दर्ज हुआ पैसे मांगने के आरोप के अंदर, और भी ऐसे कई दागी पुलिसकर्मी इस जांच में शामिल रहे हैं। मैं साथियों आपसे साथ ही करना चाहूँगा कि अगर इस तरीके का कोई मुकदमा चल रहा हो तो इसको जरूर विषय का आधार बनाएं और अगर इसके बारे में कोई भी केस के बारे में डिटेल लेना चाहते हैं तो आप मुझसे जरूर संपर्क कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9211566938, ताकि ये आचरण कोर्ट के सामने आ सके इन लोगों का, क्योंकि मैंने कोर्ट के अंदर ये देखा है कि जब कोई भी केस पुलिस लेकर आती है तो सबसे पहले कोर्ट ये कहती है कि इसकी जमानत इसके पर इतने मुकदमे दर्ज है, इतनी कंप्लेंटें पेंडिंग है, लेकिन उस माननीय न्यायालय से मेरा आज ये अनुरोध है, सभी ने अनुरोध है और रोहनी कोर्ट बार एसोसिएशन के सभी मेंबर से कि वो भी जब ऐसा कभी सामने हो तो उस पुलिसकर्मी के खिलाफ भी जरूर एक रिपोर्ट मंगाया करें कि उसके खिलाफ नौकरी ज्वाइन करने से लेकर आज तक कितनी कंप्लेंट और कितनी 156 एप्लीकेशन उस पुलिस अधिकारियों के खिलाफ और उस थाने के खिलाफ पेंडिंग है
तो ऐसे जो आदमी दोषी पुलिसकर्मी और जहां थाने पे इतने आरोप हो उसके ऊपर विश्वास नहीं किया था और उसकी विश्वास की और उसकी रिपोर्ट के आधार पर सिर्फ आदरणीय कोर्ट को अपना फैसला नहीं फैसला करने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि देखना चाहिए कि क्या बराबर का फैसला होना चाहिए, एक्चुअल विक्टिम को जस्टिस मिलना चाहिए। कोर्ट को ये फैक्ट भी, मेरा ये अनुरोध है कोर्ट से, सभी ने अनुरोध है कि और रोहिणी कोटवाल सिंह के सभी अधिवक्ताओं से कि वो इस चीज़ को लेकर जरूर आगे प्रयास करें कि ये अपने बाहर के इलेक्शन से इन चीज़ों को उठाएं और जब कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है तो पुलिस का आचरण भी जरूर मंगाना चाहिए आदरणीय कोर्ट को ताकि सही फैसला हो सके और उस पुलिसकर्मी को शपथ पत्र के साथ उससे वे पूछना चाहिए कि जो ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले उसने शपथ ली थी, जो मैं शपथ पुनः दोहराना चाहता हूँ आपके सामने, उस शपथ के अंदर उन्होंने ये बात बोली थी कि मैं पुलिसकर्मी प्रण करता हूँ कि मैं भारत और भारत के विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता पूर्ण रखूंगा तथा मैं अपने पद के कर्तव्य का देशभक्ति ईमानदार निष्पक्ष पालन करूंगा, मैं पुलिस सेवा में सच्चाई के साथ सेवा करता रहूंगा, मैं पवन जल भूमि में जिस मार्ग से जाने की आज्ञा की जाऊंगा और जिस मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसकी सारे न्याय संगत आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा, यद्यपि उसमें संविधान उसमें प्राण जाने का भी भय हो, जय हिंद। तो ये मेरा साथियों आपसे है कि ये जरूर इनसे पूछें। इन्होंने साफ साथ इसमें बात बोला है कि इस देश का जो संविधान है उसके प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखेंगे और ये चीज़ मैं जरूर जाऊंगा कि आप सभी लोग इसको ध्यान रखें। इसी शब्दावली को विराम देता हूँ। जस्टिस क्रांति।